अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। अल्लाह कितना बड़ा है, हम इस कायनात, इस यूनिवर्स को देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं इसको, इसने इतनी बड़ी यूनिवर्स को बनाने वाला अल्लाह कितना बड़ा होगा, इतनी बड़ी यूनिवर्स को बनाने वाला अल्लाह कितना बड़ा होगा। आज के वक्त में हमारी गैलेक्सी, पूरे यूनिवर्स में एक रेत के समंदर में एक मामूली ज़र्रा है, मिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर का ये सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, और सिर्फ ये कुछ ही हिस्सा है यूनिवर्स का जो हमें दिखाई देता है, जो हमने डिटेक्ट किया है। अल्लाह ने ऊंचाई बनाई, अल्लाह ने एक बड़ी बड़ी ऊंचाई बनाई, उस ऊंचाई में उसने यूनिवर्स बनाया, उस यूनिवर्स में कई आलम बनाए, उस आलम में, उस कई आलम में हमारा एक आलम बनाया, और एक आलम में बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज है, उस गैलेक्सी में हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें हमारा एक सोलर सिस्टम है। यह है यूनिवर्स की पहचान और उसकी औकात। तो अल्लाह इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा है। हम हमेशा अक्सर ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, हम मामूली तौर पर कह लेते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन इंशाअल्लाह के पीछे कितनी बड़ी खयानत छुपी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, इससे ये बात साबित होती है कि लफ्जन इंशाअल्लाह अल्लाह ने, यानी शुरू और आखिरी अल्लाह ही है, अव्वल व आखिरी अल्लाह ही है, अव्वल व आखिरी अल्लाह, यानी अव्वल व आखिरी अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने कहा हो जा, वो चीज़ हो गई। क्या हो गई? एक मामूली ज़र्रे से इतनी बड़ी डार्क एनर्जी फैल गई, एक मामूली ज़र्रे से इतनी बड़ी डार्क मैटर फैल गया, और एक सादा मैटर फैल गया जिससे ये पूरी कायनात बनी है। यह है अल्लाह ने चाहा तो, चाहा, यह है अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह के मायने अव्वल व आखिरी, चाहा तो मैंने आपको बताया कि एक ज़र्रे से क्या क्या बना है, अब तो अल्लाह ने चाहा तो के मायने क्या है? तो के मायने ये हमारी कायनात, हमारी मिल्की वे, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारी आखिरियत, ये तीन चीज़ें यहाँ साबित होती हैं इस लफ्ज़ से इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। पहले अल्लाह का वजूद, फिर अल्लाह का वजूद की निशानियाँ, और उसके साथ हमारी आखिरत ज़िंदगी। उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ये लफ्ज़ ये मामूली लफ्ज़ नहीं है, इसके पीछे गौर फिक्र करेंगे तो आपको इसके पीछे बहुत बड़ी क़यामत दिखेगी, बहुत इस इंशाल्लाह के पीछे आपको कितनी ताकत है, कितना वज़न है, कि क्या हकीकत है इंशाल्लाह की, ये आपको समझ में आएगी अगर आप गौर फिक्र करेंगे। उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। जज़ाकुल्लाह खैरा।